जो विद्यार्थी मेरे सामने हैं, उनको मैं कहना चाहता हूं कि सोचने की प्रक्रिया, किसी भी इंसान की सोचने की प्रक्रिया अपने माँ की भाषा में ही होती है, अपनी मातृभाषा में ही होती है। इसलिए अफ्रीका के महान नेता नेल्सन मंडेला ने कहा था, यदि आप किसी व्यक्ति से उस भाषा में बात करते हो जिसको वो समझता है तो वो उसके दिमाग में जाती है। मतलब अंग्रेजी आती है, कोई हमें अंग्रेजी में बात करेगा तो हमारे दिमाग में जाएगी। अगर आप उसकी भाषा में, मातृभाषा में बात करते हो तो वो बात उसके दिल के अंदर पहुंच जाती है। इसीलिए दुनिया भर ने, शिक्षाविदों ने मातृभाषा में शिक्षा पर बड़ा महत्व दिया था, क्योंकि सोचने की प्रक्रिया, संशोधन की प्रक्रिया, अनुसंधान की प्रक्रिया, तर्क की प्रक्रिया, विश्लेषण की प्रक्रिया और निर्णय पर पहुंचने की प्रक्रिया हमारा मन हमारी मातृभाषा में ही करता है। अगर पढ़ाई लिखाई और अनुसंधान मातृभाषा में हो तो मुझे पूरा भरोसा है भारत के विद्यार्थी विश्व के किसी भी विद्यार्थी से कम नहीं है। समग्र विश्व में वो अनुसंधान के क्षेत्र में भी भारत का डंका बजाकर लाएंगे। मित्रों, कई सारे लोगों ने जो अंग्रेजी का प्रचार प्रसार करते थे, उन्होंने भाषा को बौद्धिक क्षमता के साथ जोड़ दिया। भाषा और बौद्धिक क्षमता का कोई लेन देन नहीं है। भाषा तो सिर्फ अभिव्यक्ति करती है, बौद्धिक क्षमता बच्चे के अंदर ईश्वर ने दी है जो शिक्षा से उसको निखारनी है। अगर मातृभाषा में शिक्षा होती है तो बौद्धिक शिक्षा, बौद्धिक क्षमता को निखारने में बहुत बड़ा फायदा होता है। आज मध्य प्रदेश के ढेर सारे विद्यार्थियों को अपनी भाषा में मेडिकल और 6 माह बाद अपनी भाषा में पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग की पढ़ाई लिखाई करने का मौका मिलेगा। मैं सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और मुझे पूरा भरोसा है कि आज जो शुरुआत हुई है इससे अनुसंधान के क्षेत्र में भारत विश्व में बहुत आगे जाएगा। हमारे बच्चों की भी क्षमता अनुसंधान के क्षेत्र के अंदर अपनी स्वभाषा के कारण अनेक गुना बढ़ेगी और विश्व को इसका परिचय होगा, इसका मुझे भरोसा है। मित्रों, दादा भाई नवरोज जी ने 19वीं सदी में ड्रेन ऑफ वेल्थ की थियरी रखी थी। यहां से धन को खींचकर विदेशों में ले जाते थे और 21वीं सदी में वही ताकतों ने ब्रेन ड्रेन करने की थ्योरी अपनाई। हमारा भारतीय बच्चों को उन्होंने अपनी भाषा में पढ़ाकर ब्रेन ड्रेन थ्योरी को आगे बढ़ा। अब मोदी जी ब्रेन ड्रेन थ्योरी को ब्रेन गेन थ्योरी में बदल रहे हैं। आपका दिमाग इस देश के लिए है, पूरे विश्व के लिए है और इसका उपयोग अपनी मातृभाषा में कर आपकी चिंतन की क्षमता को, आपकी तर्क की क्षमता को, अनुसंधान की क्षमता को हम आगे बढ़ाएंगे। मित्रों, आज ये नई शुरुआत हो रही है, इसको मैं स्वागत करता हूं और राजभाषा का विभाग भी गृह विभाग के अंतर्गत आता है। मैं शिवराज जी को बहुत बहुत बधाई, सारंग जी को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं कि आपने ये शुरुआत की है और मोदी जी ने जो नई शिक्षा नीति लेकर आए हैं, हमारी भाषाओं के गौरव को प्रस्तापित करने के लिए और हमारी भाषा में ही टेक्निकल, मेडिकल और कानून की पढ़ाई हो, इस प्रकार की व्यवस्था पूरे देश में खड़ी करने का जो संकल्प उन्होंने लिया है, मुझे विश्वास है कि पूरे देश में इससे एक बार क्षमता की क्रांति आने वाली है। मित्रों, आज मोदी जी के नेतृत्व में नई शिक्षा नीति के माध्यम से
हमारी भाषाओं को महत्व देना शुरू हुआ है। जेई नीट और यूजीसी देश की 22-12 भाषाओं में एग्जाम देने की व्यवस्था, परीक्षा देने की व्यवस्था नरेंद्र मोदी जी ने की है। कॉमन यूनिवर्सिटी इंटरस्टेट 13 भाषाओं में, देश की 13 भाषाओं में आप दे सकते हो। 10 राज्यों ने इंजीनियरिंग को भारतीय भाषा में, तमिल, तेलुगु, मराठी, बंगाली, मलयाली, गुजराती में अनुवाद कर इसकी शिक्षा भी आगे चल रही है और भारतीय सांकेतिक भाषा का भी मानकीकरण हो रहा है। मित्रों, जब आज टेक्निकल एजुकेशन और मेडिकल एजुकेशन के अंदर हिंदी की सुभग, सुंदर और आज पहली बार शुरुआत हो रही है, तब मैं देश भर के सारे विद्यार्थियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं।